ये देखो फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पे घाट का निर्माण हुआ है, और पूरा जब पानी भर जाएगा इसमें ना तो काफ़ी यूनिक लगेगा देखो। और इस पूरे वॉल पे मधुबनी पेंटिंग बनाई जाएगी, जिसका काम अभी से शुरुआत हो गया है और आने वाले टाइम पे पूरा कर लिया जाएगा। ये देखो रबर डैम बन जाने से ये पानी यहाँ पे स्टोर हो रखा है, वरना निकल ही जाता। नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं हूँ गया मानपुर को कनेक्ट करने वाला बाईपास ओवरब्रिज के नीचे। ये देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये बाईपास का ओवरब्रिज है जो कि गया और मानपुर को कनेक्ट करता है। और सामने से आप देख सकते हो, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि एक अपडेट है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक पाथवे का निर्माण चल रहा है जो कि इस पितृपक्ष में सारे गया वासियों को और जितने भी पिंडदानी आते हैं उनको गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है। इससे होगा ये ट्रैफिक का मसला कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा जिसके बाद मंदिर जाने वाले लोगों में। तो ये आप देखोगे ना सामने यहाँ पे बाईपास ब्रिज, और यहाँ से ये रास्ता पाथवे जो है वो निकल रहा है, और निकलते हुए ये यहाँ से पाथवे बनकर विष्णुपद मंदिर, देवघाट, शमशान घाट और रबर डैम तक पहुँच जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं पूरा अपडेट देता हूँ। हालांकि आपको एक वीडियो देखने को मिला होगा मेरा पहले भी, जहाँ पे मैंने कुछ अपडेट दिया था, तो सोचा क्यों ना एक और अपडेट दे दिया जाए जिसमें बताऊँ आपको कि इस छोर से काम क्या हो रही है ब्रिज के छोर से, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने बताया था विष्णुपद मंदिर के साइड से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए पूरा अपडेट लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पे घाट का निर्माण हुआ है, और पूरा जब पानी भर जाएगा इसमें ना तो काफ़ी यूनिक लगेगा देखने में, मज़ा आएगा घूमने के लिए। पर्यटन स्थल के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं, हालांकि ये सब साफ़ होगा जब गंदगी हटेगा यहाँ पर से, तो ये घाट का अलग ही दृश्य नज़र आएगा। और सामने आप देख सकते हो पेंटिंग वगैरह बनाई जा रही है, जिसमें भगवान विष्णु का पूरा चित्रकाली के माध्यम से बताया जा रहा है उनके बारे में। ये देखो सामने, और ये रहा सामने विष्णुपद मंदिर। यहाँ पे देखोगे पाथवे के लिए ढलाई की जा रही है, और इसके ऊपर से फिर ये लाल वाला पत्थर जो है वो पूरा लगाया जाएगा। बन जाने के बाद काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इधर देखोगे ढलाई का काम शुरू है, और ये रहा फ्रेंड्स मानपुर और गया को कनेक्ट करने वाला बाईपास का ओवरब्रिज। यहाँ पे आप देखोगे ना काम चल रहा है लगातार। ये देखो भाई फल्गु में पानी, देखने से लग रहा था काफ़ी कम पानी होगा, लेकिन देखो भाई वो आदमी का कमर तक पानी पहुंच गया। ये देखो रबर डैम बन जाने से ये पानी यहाँ पे स्टोर हो रखा है, वरना निकल ही जाता।